ओम अतुलित बलधामं भीम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपतिं प्रिय भक्तं वात जातं नमामि श्री हनुमते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। हर रोज की तरह हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आपके किस्मत की हाल को बताने वाले शो को लेकर जिसका नाम है आज का गुड लक। आज मंगलवार है और कैसे भगवान हनुमान जी हमारे समस्त जीवन में कल्याण करने वाले हैं इसके रहस्य हम आपके समक्ष रखेंगे। धनवान बनने के योग आपकी संतान की कुंडली में है कि नहीं है, कैसे आप जान सकते हैं और उस अभाव को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार की आपके बच्चे की नाक है, कहां तिल का निशान है कंधे पर बाजू पर, वो क्या बताता है भविष्य में, या सपने में क्या कुछ जो दिखता है आपको वो भविष्य में क्या कुछ बताने वाला है, ये सारे रहस्य हम आपको बताएंगे आज के गुड लक। पंचांग की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और आज अति शुभ फलदायक योग बन रहा है भौम व्रत। कहा जाता है कि जब जीवन में लोन बहुत परेशान करे, उतरने का नाम ही ना ले, तो ऐसे शुभ योग में शिव का अभिषेक करने से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। साथ साथ राहु वक्र गति से चलते हुए चंद्र के रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कुछ दिन बदलने ही वाले हैं और साथ साथ भद्रा भी आज विद्यमान रहेगी 12:51 तक। और साथ साथ नक्षत्र की बात करें तो बेहद खास रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का मना हुआ है, ध्रुव नाम का योग है। शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए, 12:52 से लेकर 1:10 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं कार्य आरंभ करना। और राहुकाल जो रहेगा वो आज 3:19 से लेकर 4:40 तक। मंगलवार का दिन है आज और हनुमान जी का दिन है, इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा सब लोगों को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इस धरा पर अनादिकाल से विराजमान है और चिरंजीवी कहे जाते हैं। हनुमान जी का छंद है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। हनुमान जी संकटों को हरने वाले हैं। इस धरा पर जब तक ये धरा विद्यमान रहेगी तब तक सीता जी के आशीर्वाद से इस धरा पर ही हनुमान जी रहने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। हजारों सालों में लोगों ने उनके दर्शन किए, आज भी भक्त उनके दर्शन को प्राप्त कर अपने जीवन में सुख करते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से, पूजा करने से भूत प्रेत का डर भाग जाता है, ना से रोग हरे सब पीड़ा का आ गया ना, तो अद्भुत रूप से हनुमान जी की पूजा करने वाले सदा जीवन में प्रसन्न ही रहते हैं। एक धार्मिक कथा है, श्रेष्ठ शक्ति के अनुसार से हनुमान जी और शनि की आपस में एक बार जो आपस में कुछ द्वंद हो गया। कहा जाता है कि शनि और हनुमान जी को बाद में शनि को हनुमान जी से क्षमा मांगनी पड़े। सूर्यपुत्र शनि ने को हनुमान जी ने वचन भी दिया कि जो भक्त आपकी हनुमान जी आपकी पूजा करेगा उसको जीवन में शनि परेशान नहीं करेंगे, तो इसलिए हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनि का प्रकोप का कभी खतरा नहीं होता। एक छंद है ना, जो शतबार पाप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान जी कृपा कब होगी, तो जवाब ये है जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इसलिए हनुमान चालीसा में इसका जवाब दिया गया, परंतु कई लोग शत है, ये सत्य को 7 कर लेते हैं, शत का मतलब 100, जो 100 बार पाठ करेगा तो गुरुदेव कृपा अवश्य करेंगे उन पर। तो इसलिए अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास कीजिए। आज हम बहुत सारे उपाय आपको बताने वाले हैं। आप यदि कानूनी झगड़े में फंस जाए तो हनुमान जी कृपा, उनको धूप दिखाने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। धूप दीप जो उनको नैवेद्य रोज अर्पित करते हैं, झगड़े बच जाते हैं, आपके बंधन के योग टूट जाते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, कल्याण होगा। मां अम्मे करेंगे कल्याण, कार्यक्रम आरंभ करते हैं और बहुत सारे आज विषय लेके आए हैं। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तिल, मरसे, लहसुन और अनेक प्रकार के निशान होते हैं। आपको पता है कि ज्योतिष की सामुद्र शास्त्र के अनुसार से वो आपके जीवन के बारे में बताते हैं, ये व्यक्ति व्यापारी बनेगा, ये व्यक्ति जीवन में आगे कहां बढ़ेगा या कुछ अशुभ होने के योग है, ये सारे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। आज गुप्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज का एक शुभ योग है, उसका लाभ ले लीजिए। आप अपने वर्गाकार साइज का एक लाल रंग का सूती कपड़ा ले लीजिए आज, और उसमें 2 इलायची और 2 डालकर साथ साथ थोड़े से मसूर की दाल डालकर किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। मसूर की दाल थोड़ी सी ले ले जिससे उनके उपयोग कर सके। देखिएगा अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए ये दान करने का प्रयास कीजिए, आज के शुभ योग में मंगलवार कितना आपको लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष की समस्त संबंधाओं के लिए आपका ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करते हैं और राशियों के अनुसार से आपको बताते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों,
प्रतिद्वंदी शांत रहते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए आगे बढ़ने का योग अच्छा दिखाई देता है। यात्रा से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। रुका हुआ धन किसी काम में रुक गया है तो उसको लाने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। उन्नति संभव दिखाई देती है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प समर्पित करें, मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। वृक्ष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? मां अंबे करेंगे कल्याण, घर परिवार में थोड़ी चिंता रहती दिखाई दे रही है, किसी से वाद विवाद ना करें। कार्य प्रणाली में सुधार होता दिखाई दे रहा है, नई योजना बनती दिखाई दे रही है। जी हां, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चावल दाल मिक्स करके किसी गरीब को दान दीजिए, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। अगली राशि के संबंध में बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की। दिल्ली से आरती महाजन जी का एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है अपनी परेशानी के बारे में। उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, परंतु कई बार रिश्ते पक्के होने के लिए योग बनते हैं, जन्मपत्री मिलाई जाती है, बार बार कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है। देखिए, हमने आपकी जन्मपत्री देखी, आपकी बिटिया की जन्मपत्री में मंगल शुक्र की जिस प्रकार की युति है, वो खास तौर पे विवाह के लिए योग तो बनाती है, परंतु कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न कर देती है। जन्मतिथि के अनुसार से बेटी का जो मांगलिक योग है, जो यानी मौलिक मूल अंग है, वो 3 है, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। भगवान विष्णु की आराधना करने से शुक्र संबंध में खास मंगल का जो योग बना हुआ है, उसके समस्त दोष भी दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आराधना करें, उनका केले पर उनको खासतौर पर जल चढ़ाएं, हल्दी युक्त और लड्डुओं का भोग लगाइए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की कथा भी सुनने का प्रयास कीजिए, व्रत रखिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत जल्द इस बृहस्पति के परिवर्तन से पहले पहले विवाह का योग अवश्य बनेगा। ये उपाय कर लीजिए, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। धार्मिक आस्था से बढ़ने के लाभ दिखाई देते हैं, धार्मिक आस्था बढ़ाने का प्रयास कीजिए, जोखिम ना उठाएं। बाधाओं को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो लाभ प्राप्ति की स्थिति बन सकती है। भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने लड्डुओं का भोग लगाएं, यात्रा सफल रहेगी। उपाय के तौर पर एक काम और कर लें, गाय को रोटी और गुड़ मिलाकर खिलाइए, बाधाएं दूर होने के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों, आज की आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है घर में किसी सदस्य की चिंता आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। वाहन या मशीनरी का प्रयोग करते वक्त थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें। अग्नि का भय दिखाई देता है, किसी से व्यर्थ वाद विवाद न करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सब कष्ट दूर होंगे। मिठाई का भोग लगाइए, आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। व्हाट्सएप से एक मैसेज आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से रश्मि मिश्रा जी लिखती हैं कि उनका बेटा पिछले काफी दिनों से मानसिक परेशानी से गुजर रहा है और लॉकडाउन के दौरान उनके साथ भी कुछ अजीब घटना घटी कि उनकी जॉब चली गई थी। फिलहाल खाली बैठे हैं और कुछ आर्थिक तौर पर कैरियर को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और साथ साथ कुछ गलत तरफ भी बेटा चला गया, नशा करने लगा है और गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या करें, उपाय जानना चाहते हैं, चिंता ना करें। आपके लिए देखिए, जीवन है, समस्याएं आ जाती हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय जानने का प्रयास कीजिए। एक तो राहु का प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर ठीक नहीं पड़ रहा है। राहु का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति गलत तरफ चला जाता है। जब राहु काल चल रहा हो और सावधान ना रहे तो नशे की तरफ, गलत एडिक्शन की तरफ भी लोग चले जाते हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में आपको खास तौर पर कुछ राहु का उपाय करने का प्रयास करें। एक यज्ञ भस्म मंगाकर शाम के समय बच्चे को, जब सो जाए बच्चा, तो उसके ऊपर हल्की सी भस्म लगाकर ये भाव देने का प्रयास करें कि आप नेगेटिव तरफ ना जाएं, आप अच्छे बच्चे हैं, ये भाव रखने का प्रयास कीजिए। इससे ऑटो सजेशन थेरेपी से बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन आने का प्रयास बनेगा और एक 8 रत्ती का गोमेद उन्हें धारण करवा दीजिए। 2022 तक सब ठीक होने के योग बनेंगे, चिंता ना करें, आपके जीवन में कल्याण अवश्य होगा। आगे बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, मेहनत का फल थोड़ा कम मिलता दिखाई दे रहा है, गृहस्थ का सुख मिलता दिखाई दे रहा है। आज शासन का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, धन आगमन के योग दिखाई देते हैं। आज कोशिश ये करें भगवान शिव की आराधना करें, कनेर उन्हें समर्पित करें, दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं कार्यक्रम के मुख्य भाग की। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले थे ना, कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया था कि तिल मस्सा या लहसुन आपके शरीर में कहाँ हो तो उससे आपको कैसा लाभ मिल सकता है, तो नोट कर लीजिए। पुरुष के शरीर में दाहिने भाग में तिल होना बहुत शुभ माना गया है, लाभ योग बनाता है, परंतु महिलाओं के लिए बाईं तरफ यदि तिल हो तो बहुत शुभ माना जाता है, इसके विपरीत दोनों के लिए अशुभ माना जाता है। यदि हृदय के अंदर बीच में तिल हो तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, जीवन में उत्कृष्ट करने वाला होता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में यदि 12 से ज्यादा तिल हो तो अच्छा नहीं माना जाता है, 12 से कम तिल हो तो शुभ लाभदायक होते हैं। भले ही व्यक्ति के चेहरे में किसी भी रंग का हो, गोरा हो या सांवला हो,
तिल यदि चेहरे पर हो तो सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के चेहरे पर यदि काले रंग का तिल हो तो उनकी बुरी नज़र से भी, लोगों की बुरी नज़र से भी लोग बच जाते हैं। इसलिए आजकल युवतियों के चेहरे पर सुंदर तिल तिल बनाने का वो भी चल रहा है फैशन के तौर पे, तो कहीं भी एक काले पेन से तिल बना दिया जाता है। लेकिन जो नेचुरल होते हैं उनको आप जान सकते हैं कि क्या हो, ललाट पर तिल हो और खासतौर पर ललाट के मध्य भाग में तिल हो तो व्यक्ति ये निर्मल प्रेम की निशानी है, उनके कोमल हृदय की निशानी है। ललाट के दाहिने भाग की तरफ तिल हो तो विशेष तौर पे व्यक्ति निपुण होता है, किंतु बाईं तरफ तिल हो तो फिजूल खर्च करने का प्रतीक माना जाता है। ललाट के मध्य भाग में यदि तिल हो तो ये मत है शास्त्र के अनुसार से वो ललाट के मध्य भाग में जीवन में आगे बढ़ने के योग बनते हैं। यदि दाईं ओर तिल हो तो धन वृद्धि कारक होता है, बाईं तरफ यदि तिल हो तो खासतौर पर कहा जाता है कि निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करने का संकेत देता है। भाव में तिल खासतौर पर क्या दिखाता है वो हम आपको बताते हैं। यदि दोनों भावों के मध्य में तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिने भाग में यदि तिल हो तो सुखमय जीवन होता है, बाईं तरफ हो तो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी के संकेत मिलते हैं। आंख की पुतली पर यदि तिल हो खासतौर पर बाईं तरफ तो व्यक्ति कहा जाता है कि उच्च विचार वाला व्यक्ति होता है, यदि बाईं तरफ हो तो विचार कुंठित होते हैं। और खासतौर पर जीवन के अनुसार आंख की पुतली पर लोग जो तिल हो तो व्यक्ति भावुक बहुत होते हैं। पलकों पर तिल होने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा योग होने के योग बनते हैं, संवेदनशील व्यक्ति होता है। बाईं पलक पर तिल व्यक्ति के जीवन में कुछ अधिक खासतौर पर संवेदनशील यानी इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। आंख पर तिल जो है वो भी दाईं तरफ आंख का तिल स्त्री से मेल मिलाप के योग दिखाता है, और बाईं तरफ यदि तिल हो तो दिखाता है कि व्यक्ति के समाज में कुछ अनबन होने के योग बनते हैं। कान पर तिल व्यक्ति की अल्पायु का संकेत देता है, इसलिए उनको खासतौर पर अपनी जन्मपत्ती दिखाकर अपने आयु के संबंध में रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं नाक पर यदि तिल हो तो व्यक्ति में खासतौर पर प्रभास प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनता है, और महिलाओं के नाक पर तिल हो तो सौभाग्यशाली होने के संकेत मिलते हैं। होठ पर यदि तिल हो तो सुन ले, होठ के ऊपरी भाग पर यदि तिल हो तो व्यक्ति प्रेमी बनता है, हृदय अच्छे हृदय वाले होते हैं। वहीं तिल के यदि नीचे की तरफ हो तो शास्त्र के अनुसार से कहा है कि होठ के नीचे वाला तिल व्यक्ति के जीवन में कुछ अशुभता कर उत्पन्न करता है। मुख पर तिल खासतौर पर व्यक्ति के जीवन में संपन्नता और सुख देने का सूचक होता है, और मुख पर यदि तिल खासतौर पर यदि किसी पुरुष व्यक्ति के हो तो धनाधि बनने के संपन्न देता है। तो इस प्रकार से तिल कहाँ कुछ है तो उसके अद्भुत रूप से लाभ है, और हमारी विभिन्न पुस्तकों में इसके बारे में वर्णन लिखा है। और हम आपके लिए एक कार्यक्रम में एक नया भाग भी शुरू कर रहे हैं। जो लोग हमारे कार्यक्रम में व्हाट्सअप करते हैं और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में ज्ञान देते हैं, तो अभी पूर्णिमा के दिन हमने एक आपको विशेष तौर पर बताया था, तो आज हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे, और जो प्रश्न का जवाब देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से उनको, उनमें से कुछ लोगों को चूज करके हम लोग उनको आश्रम की जो प्रकाशित पुस्तकें हैं क्या कहते हैं सपने वो भी भेजने का प्रयास करें। तो आज का मेरा प्रश्न है आप सबसे, जिससे आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाएं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और साथ से अच्छे से प्रोग्राम देखते भी हैं। तो इस कार्यक्रम में हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे को जवाब सही भेजेंगे उनको, उनमें से दो लोग चूज करके हम उनको अपने आश्रम से प्रकाशित होने वाली क्या कहते हैं सपने पुस्तक भी भेजने वाले हैं। तो प्रश्न यह है कि जो अभी गुरु पूर्णिमा गई उस दिन कौन विष्णु के कौन से अवतार की पूजा की जाती है, तो जवाब तुरंत यदि पता हो तो आप भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, हम आपको कोशिश करेंगे उनमें से अच्छे से व्यक्ति को चूज करके लॉटरी के माध्यम से आपको आश्रम से प्रकाशित पुस्तक क्या कहते हैं सपने अवश्य जल्दी भेजेंगे। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है हमारे पास ब्रजेश कुमार जी का, और ब्रजेश जी लिखते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि घर के किस कोने में सीढ़ी बनानी चाहिए, और किस हिस्से में नया घर बनाने जा रहे हैं उसके लिए वो डिजाइन करते वक्त जानना चाहते हैं। मकान के दक्षिण पूर्व की दिशा खासतौर पर सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ी भूलकर भी ऐसी नहीं व्यवस्था करनी चाहिए कि एक तल भी खासतौर पर पूर्व दिशा की तरफ टच करे, यदि ऐसा होगा तो मकान में अशुभ योग बन जाएगा, वास्तु दोष बन जाएगा। वास्तु के अनुसार से दक्षिण पश्चिम की दिशा जो है वो सीढ़ी बनाने के लिए अति उत्तम मानी गई है, तो इस दिशा का उपयोग करते हुए सीढ़ी बनाने का प्रयास करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से अनेक प्रश्न आ रहे हैं, एक वर्ष और आ गया है। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से आशीष रघुवंशी जी का प्रश्न आया है, और वो जानना चाहते हैं कि अपने घर में वो घोड़े का एक चित्र लगाना चाहते हैं, किस दिशा में लगाना चाहिए। देखिए घोड़े का जो चित्र है वो खासतौर पर ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, यदि घोड़े का चिन्ह उत्तर पूर्व दिशा जो है वो खास तौर पे बड़ी अच्छी है, और ड्राइंग रूम में उत्तर पूर्व कोने में आप इस चित्र को लगाइए, आपके जीवन में काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऊर्जावान घर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं और राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। मां अंबे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों, संपत्ति की खरीद फरोख्त के योग दिखाई देते हैं, लाभ होने के योग दिखाई देते हैं और खासतौर पर रोजगार का नया ऑफर प्राप्त हो सकता है। आज वाद विवादों से बचने का प्रयास कीजिए, कोशिश करें शांत होकर काम करने का प्रयास करें। आज उपाय के तौर पर अपने घर में एक मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का प्रयास करें, सांसारिक सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? बौद्धिक कार्य में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं और साथ साथ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। निवेश और नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा। यात्रा होती दिखाई दे रही है। कबूतरों को आज बाजरा डालने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है एक व्हाट्सएप मैसेज का लेने का और स्वप्न विज्ञान के संबंध में एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और एक ज्योति मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने व्हाट्सएप भेजा है। उन्होंने कहा है कि सपने में उन्हें कुआं दिखाई दिया, क्या अर्थ जानना चाहती हैं? देखिए, सपने में कुआं पानी का स्रोत दिखाई देना किसी बीमारी से छुटकारा मिलने का संकेत है, तो बड़ा अच्छा है। आपको खासतौर पर आपके जीवन में शुभ हो, आगे आने वाले समय में आपकी परेशानी से छुटकारा मिलने का संकेत मिल रहा है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का अभिषेक नित्य प्रति किया कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त होगी तो आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। एक और व्हाट्सएप मैसेज आया है मथुरा से राजन तिवारी जी का और उन्होंने सपने में देखी घड़ी। देखिए, सपने में घड़ी दिखना का अर्थ होता है जल्दी सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं और समय अच्छा आने वाला है, इसलिए चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपके जीवन में शुभ होगा। शिव की आराधना करें, शुभ ही शुभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होने के योग है हम आपको बताते हैं। आज ग्रह थोड़े अनुकूल नहीं है, राजकीय कोप आपको झेलना पड़ सकता है, थोड़ा आपको नियमबद्ध तरीके से चलने का प्रयास करें, यात्रा सावधानी के साथ करने का प्रयास करें, जोखिम वाले काम, जमानत वाले काम टालने का प्रयास करें और किसी से वाद विवाद में न फंसे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, विघ्न दूर होंगे, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? ग्रहों के अनुसार से घर बाहर में आपकी पूछ अच्छी बनती दिखाई दे रही है, रोजगार के प्रति कार्यों में सफल रहते दिखाई दे रहे हैं, आत्मसम्मान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में खासतौर पर निवेश के लिए आपके लिए अच्छे योग दिखाई देते हैं। आज कुछ रुपए दान जरूर करने का प्रयास करें, जितनी आमदनी हो उसका कुछ हिस्सा गरीबों को दान करें, कल्याण होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक व्हाट्सएप ले लेते हैं और प्रश्न के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश से अंशुमाला जी का एक प्रश्न आया है और उन्होंने कहा है कि उनके होठ का ऊपरी भाग जो है वो बार बार कल से फड़क रहा है, जानना चाहते हैं शुभ है या अशुभ है। देखिए, शकुन विज्ञान है और शकुन विज्ञान जीवन में बताता है क्या कुछ होने वाला है। अंशुमाला जी, होठ को बार बार फड़कना जीवन में शास्त्र के अनुसार से कहा गया है, कुछ नई वस्तु प्राप्त होने का संकेत दिखाई देता है, भोजन इत्यादि कोई चीज प्राप्त होती दिखाई दे रही है। होठ का फड़कना बहुत शुभ है, आपके जीवन में कल्याणकारी रहेगा समय। एक और व्हाट्सएप मैसेज आया है खासतौर पर गुरुग्राम से, रणदीप जी का मैसेज आया है और उन्होंने कहा पिछले एक हफ्ते से घर के बाहर एक विचित्र प्रकार की घटना घट रही है, उनके घर में काले रंग की चींटियां दिखाई दे रही है और ऐसा बार बार होता रहता है। देखिए, काली चींटियां आर्थिक नुकसान का संकेत देती है, यदि बहुत ज्यादा झुंड के रूप में घर से निकल रही है तो साफ साफ शरीर का प्रकोप दिखाते हैं, घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और अनुकूल स्थिति की जगह प्रतिकूल स्थितियों को बनाने का प्रयास आपको ध्यान रखना चाहिए। जबकि लाल चींटियां निकले तो आर्थिक तौर पर लाभ संकेत मिलते हैं, इसलिए आपको शनि का उपाय तुरंत करने का प्रयास कीजिए, करना चाहिए। सप्त अन्न का दान कीजिए, कल्याण होगा। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसे योग बन रहे हैं? वाद विवाद थोड़ा कष्ट देता दिखाई दे रहा है, निवेश लाभ देता दिखाई दे रहा है, शुभ समाचार भी अवश्य प्राप्त होने के योग बनेंगे, उसके लिए थोड़ा उपाय करने का प्रयास कीजिए, आत्मसम्मान बढ़ेगा, यात्रा होती दिखाई दे रही है। गायत्री मंत्र का जप करें, एक माला गायत्री मंत्र का जप करें, जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों, आज कैसे के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से? शुभ समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं, लाभ होता दिखाई दे रहा है, आज रोजगार प्राप्ति के संकेत भी अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में लाभ के लिए एक उपाय करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, श्रीयंत्र की स्थापना करें, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी, मां अंबे करेंगे कल्याण। एक व्हाट्सएप मैसेज आया है हमारे पास प्रयागराज से, खासतौर पर गौरव भूषण जी का, उन्होंने लिखा है कि उनके शरीर में आज जल की कमी हो गई है। देखिए, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण से पसीना बहुत ज्यादा आता है और फिर डिहाइड्रेट कर जाता है शरीर, तो ऐसे में शरीर में नेचुरल में पानी की कमी हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए एक तो पानी की मात्रा ज्यादा कीजिए, कम से कम 3-3.5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए जो स्वस्थ व्यक्ति है, और साथ साथ इस वरुण मुद्रा पर अंगूठे को लास्ट उंगली सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग से लगाने से ये वरुण मुद्रा बन जाती है। चलते फिरते उठते बैठते इस मुद्रा का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, नेचुरल वे में आपके शरीर में जितना पानी चाहिए प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और नेचुरली आपको पानी ज्यादा पीने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि पसीना भी आजकल ज्यादा आता है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? आज शारीरिक कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। कार्य में मन लगे उसके लिए उपाय करने का प्रयास करें। जोखिम वाले काम जमानत के कार्य को टालने का प्रयास करें, किसी की जमानत ना दें। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं, सब कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की, और हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आया है गोविंद जी का, और वो जानना चाहते हैं कि उनके पेट के मध्य भाग में चर्बी बहुत ज्यादा हो गई है, कौन सा अभ्यास करें जिससे लाभ प्राप्त हो। देखिए हमने बहुत सारे आसन तो बताए ही हैं, आज आपको बताते हैं कि पेट के मध्य भाग में जब बहुत ज्यादा चर्बी हो जाती है तो डायबिटीज जैसी बीमारियां भी परेशान करने लगती है। त्रिकोण आसन देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से आप कर रहे हैं, दोनों पैर खोल के खड़े हो, हाथ दोनों साइड बाई स्प्रेड करें और फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए किसी भी एक तरफ टर्न करें, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आइए, फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए दूसरी तरफ टर्न करें, ऐसा रिपीट करने का प्रयास करें। इससे जो एब्डोमिनल की मसल्स है जिसमें फैट एक्स्ट्रा चर्बी आ गई है वो धीरे धीरे लूज पड़ेगा, और वॉक करने का प्रयास कीजिए। कम से कम आपको कोशिश ये करनी है कि 10,000 स्टेप डेली चलने का प्रयास करना, और एक स्ट्रेच पे कम से कम 50 मिनट चलने का प्रयास करना चाहिए। इससे कम चलेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ नहीं प्राप्त होगा। ये आसन कीजिए, देखिए योगमय जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए, भारतीय संस्कृति का लाभ लेने का प्रयास कीजिए, जीवन स्वस्थ होगा, और जब जीवन स्वस्थ होगा, हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो समाज भी स्वस्थ बनेगा। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और सावन के कौन से खास उपाय करके आप परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम अंगारकाय विद्महे भूमि सुताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्।